मध्य प्रदेश में 230 सीटों वाली विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली और कांग्रेस को 66 सीटें। नतीजे आने के बाद चुनाव से जुड़ी चर्चाएं देश भर में हो रही हैं। कांग्रेस क्यों हार गई, बीजेपी क्यों जीत गई? क्या बीजेपी एक बार फिर से शिवराज सिंह को सीएम बनाएगी या किसी और चेहरे पर दाव लगाएगी? ऐसी तमाम सियासी चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं। इस वीडियो में मध्य प्रदेश चुनावों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की हार को लेकर। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान सुनिए। अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया, हारे हुए जीते हुए उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है कोई, आपको भी लगता है कि अगर देखिए अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर आपके मुताबिक क्या हुआ? क्या हुआ सर, इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा? देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक बुरा कारण? कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कमलनाथ ने चुनावों को लेकर सवाल उठाए तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोक हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। अपने दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे ईवीएम पर सवाल उठाए, कहा कि हर चिप वाली मशीन को हैक किया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से आए इन दो बयानों से साफ है कि कांग्रेस अपनी हार को ईवीएम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इस बीच अपने सभी उम्मीदवारों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस अपने हार के कारणों की समीक्षा करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उसकी हार के पीछे क्या वजह रही हैं। लेकिन ये साफ है कि इस हार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को सियासी नुकसान होगा। नुकसान तो राहुल गांधी और कांग्रेस को भी होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और वो बीजेपी में गए थे तब अपने साथ कई विधायकों को भी ले गए थे। अब कांग्रेस ये अनुमान भी लगाना चाहेगी कि आखिर इस चुनाव में सिंधिया कितने बड़े फैक्टर रहे। कांग्रेस अब हर पहलू का आकलन करेगी। लेकिन दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया था। अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना,
ये उन कामों की जीत है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, लेकिन क्या वे 5वीं बार भी सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएंगे? दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत करीब 4 से 5 अन्य नेताओं के नामों पर भी विचार हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी ने इस बार चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया था। पीएम मोदी ने खुद चुनाव की कमान संभाली थी और धुआंधार प्रचार किया था। अब जब पार्टी को बहुमत मिल गया है तो सीएम के नाम पर फैसला होना है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्तर पर पार्टी इसको लेकर चर्चा करेगी। इसके बाद बीजेपी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी, विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में नए सीएम का नाम तय किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामों पर भी सीएम पद के लिए विचार किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं ने लोगों को काफी प्रभावित किया था, खास तौर पर महिलाओं को लेकर चलाई जा रही योजनाओं ने। केंद्रीय स्तर पर बीजेपी नेताओं ने भी इस बात को माना। करीब 5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में शायद पार्टी कोई रिस्क न लेना चाहे। वहीं शिवराज के राजनीतिक अनुभव को भी नजरअंदाज करना पार्टी के लिए कठिन होगा। यानी तमाम हालातों को देखते हुए लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी शिवराज सिंह पर भरोसा जता सकती है। हालांकि आखिरी नाम बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ही तय होगा। वैसे आपको क्या